गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं अपनी पॉलिटी की सीरीज आगे स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला टर्न जो है, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, तो यूनियन ऑफ इसमें क्या है, जिसमें मेरा पहला आर्टिकल जो है, पहले आर्टिकल में दिया हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इट मीन्स कि जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो क्या है कि राज्यों का समूह न होने की बजाय वो क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब कि हमारे जो राज्य है वो संघ से क्या है, वो अलग नहीं है, वो राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का क्या है वो संघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर इसमें जो है, ये जो इंडिया और भारत जो है, इस तरह का जो नाम दिया गया, इससे क्या क्या सेंस निकलता है। इसमें तो ये पहला सेंस निकलता है कि ये जो क्या है, ये नेम है, कंट्री का नेम है इंडिया और भारत। ओके, तो हमारे इसमें जो ये क्वेश्चन आता रहता है कि हमारे संविधान में जो कंट्री का नेम, क्या क्या कंट्री का नेम दिया गया है। तो हमारे जो है, तो पहला नेम क्या है, इंडिया, और दूसरा क्या है, भारत हो गया, ठीक है। और सेकेंड क्या है कि टाइप ऑफ पॉलिटी, मतलब ये राज्य व्यवस्था के क्या है, प्रकार है। ओके, कि किस तरह की राज्य व्यवस्था की जाएगी, कैसा है। तो जैसे यहाँ पर राज्यों का संघ है, तो ये राज्य व्यवस्था के एक प्रकार है। और यहाँ पास क्या है, इंडिया, और भारत क्या है, ये कंट्री का नेम है। तो हमारा जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, वो राज्यों का समूह होकर राज्यों का संघ है। तो इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का एक कोट भी है, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे भारत, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका कोट है, उन्होंने बोला था कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम का मतलब हो गया, जैसे लिखा हुआ है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। मतलब कि जो हमारे राज्य है वो कोई समझौते मतलब एग्रीमेंट मतलब से आपसे समझ ही सकते हैं कि जैसे कि हम आपस में एग्रीमेंट कर लेते, कोई भी एग्रीमेंट कर लिए दो लोग आपस में, तो क्या होता है, एग्रीमेंट होने के बाद क्या होता है कि जितने का हम जिस चीज का एग्रीमेंट करते, जैसे हमने लैंड का एग्रीमेंट कर लिया, तो जिस पार्ट, जो पार्ट हमारे उसमें आता है, उसमें पूरा हमारा रोल होता है। जो दूसरा पार्ट जो किसी अदर मेंबर के होल्ड में आता है, तो उसमें उसका पूरा रोल होता है, मतलब उसका मालिक पूरा हो जाता है। जबकि हमारा जो भारत है, तो भारत ऐसा नहीं, समझौते एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। भारत में जो है, राज्यों को जो राज्य है उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक तरीके से राज्यों के में चल सके, सभी राज्यों में बराबर तरीके से, क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत बड़ा, कोई छोटा सा देश नहीं है कि इसमें हम एक ही राज्य बना के, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, वहाँ पे तो एक ही कंट्री है, वो तो एक ही पूरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह नहीं, हमारा जो भारत जो है, भारत हमारा बहुत बड़ा देश है। और इसमें केवल जो हमारा, और सभी के अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, तो इस कारण से जो है व्यवस्था जो है, हमारा प्रशासन जो है, वो सही तरीके से चल सके, ठीक तरीके से काम कर सके, इसलिए हमने क्या किया था, कितने सारे राज्य बना लिए थे। राज्य बनाने से आशय ये नहीं था कि जो राज्य है वो क्या हो जाए, वो संघ से अलग हो गए, और संघ से अलग नहीं, उनको संघ से अलग होने का अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंड यूनियन बोलते हैं, द स्टेट हैज अ नो राइट टू स्केट फ्रॉम द फेडरेशन। उनको अपने संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये केवल एक क्या की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चल सके, सारी व्यवस्थाएं सही से, क्योंकि हमारे देखिए, हमारे भौगोलिक रूप से भी हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं। हमारे यहाँ हर चीज में विविधता, जाति, धर्म, भौगोलिक जो है, संस्कृति हो गई, हर तरीके की विविधता पाई जाती, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं। तो इससे जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट ना होने पाए, जो है इस कारण से हम जो है ऐसी व्यवस्था किए थे कि सभी जो है समान रूप से चलती रहे, हमेशा हमारे यहाँ एकता जो है वो बनी रहे। ओके, तो ये जो है एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जबकि हमारा जो देश है वो राज्यों का क्या है, संघ है। ओके, जैसे अमेरिका फेडरेशन अमेरिका में होता है, अमेरिका में जो है वो एग्रीमेंट है, मतलब कि वहाँ पास जो राज्य है वो संघ से एकदम अलग, उनकी रूलिंग अपनी अलग होती है, उनका संविधान अपना, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो राज्य वो संघ से अलग होते, जबकि हमारे यहाँ ऐसी रूलिंग नहीं, हमारे यहाँ जो राज्य है वो संघ से ही जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमारा आर्टिकल फर्स्ट हो गया। जो सेकेंड, तो ये अब देखिए, हमारे जो आर्टिकल फर्स्ट है, तो आर्टिकल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो भारतीय क्षेत्र, हमारे भारत में कितने क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। तो पहला आता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो राज्य क्षेत्र हो गया, फिर आपका यूनियन टेरिटरी हो गया, थर्ड होता है जो हमारे जो गवर्नमेंट एक्वायर्ड करती है, मतलब कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम जो एक्वायर्ड करती है, वो भी हमारे क्या होगा, भारतीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ओके, वो किसी भी टाइम यदि एक्वायर्ड करती है, तो हमारे किस में शामिल हो
जाएगा, हमारे भारतीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो जैसे कि अभी बांग्लादेश का ही आपने देखा होगा कि एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें जो हमारे बांग्लादेश का जो हमारे यहाँ क्षेत्र था, तो हमने उसको तो हमने आपस में जो एग्रीमेंट किया, तो वहाँ जो एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद जो क्षेत्र हमारे अंडर पे था, तो जो भी है उसको हमने अपने अंडर पे लिया। ठीक है, तो वहाँ पर सब हमारी व्यवस्था चलेगी, हमारे देश का गवर्नमेंट का शासन चलेगा, और फिर प्लस हमारे जो जैसे दमन और दीव वगैरह जहाँ पास ये बहुत सारी जब यूरोपीय जो जो कंपनियां आती थी, तो हमारे कई क्षेत्रों को उन्होंने अपने अंदर किया हुआ था। तो आज़ादी के बाद फिर हम उन क्षेत्रों को अपने अपने टेरिटरीज में हमने उनको शामिल किया, अपने क्षेत्र में शामिल किया, तो उनमें भी बाद में शामिल करने के बाद फिर उनमें किसका रोल हुआ, गवर्नमेंट का हुआ। तो ये वही चीज़ है कि जो हमारी गवर्नमेंट एक्वायर करती है कोई भी फॉरेन जो लैंड हो गया या फिर तो वो जो है वो हमारे क्षेत्र में इंक्लूड हो जाएगा जब उसे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। ओके, तो यहाँ पास ये चीज़ है। फिर जो यूनियन टेरेटरीज होती हैं, एक्वायर्ड टेरेटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरेटरीज होती हैं उनमें जो किसका जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ओके, जैसे कि आपकी दिल्ली होगी तो दिल्ली आपकी यूनियन टेरेटरी भी है। तो दिल्ली में जो होते हैं आपके जानते हैं कि यहाँ के जो प्राइम जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर को जो है इलेक्शन कौन चुनता है, यहाँ पास प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं दिल्ली के। ओके, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी है, तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी इलेक्शन कौन चुनता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो यहाँ पर किसका रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 1 के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 इसमें देखिए, आर्टिकल 2 जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल 3 आएगा, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पास केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास ना काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। देखिए, पहला जो आपका आर्टिकल 2 है, तो आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है कि हमारे पास जो पार्लियामेंट है तो हमको क्या देती है, तो इसमें आर्टिकल 2 के अंतर्गत 2 शक्ति हमको पार्लियामेंट देती है। तो पार्लियामेंट हमको कौन कौन सी शक्ति देती है, तो पहली तो ये देती है कि हम जैसे कि टू एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, मतलब कि हम अपने नए राज्य जो नए राज्य को भारत के संघ में हम शामिल करें। ओके, किसी भी नए राज्य को हम भारत के संघ में शामिल करें। और सेकंड क्या देती है कि नए राज्य को गठन करने की शक्ति, टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, नए राज्य को बनाने की शक्ति। और तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या, यहाँ पास आपको ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि देखिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पास जो आपका ये है यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो आपका यूनियन है संघ में, मतलब कि यहाँ पास नए राज्यों को किसमें शामिल करना है, संघ में शामिल करना है। जो पार्लियामेंट हमको यहाँ पास क्या पावर देती है कि हमको नए राज्यों को संघ में शामिल करना है, जो कि अभी संघ में नहीं है, उनको हमको क्या करना है, संघ में शामिल करना है। और फिर क्या करना है, हमको नए राज्यों का गठन भी करना। ओके, तो नए राज्यों को प्रवेश है जो पहले अस्तित्व में है, उनको क्या है, उन जो पहले से अस्तित्व में है लेकिन उनको संघ में, तो उन्हें हमको क्या करना है, जबकि दूसरी शक्ति जो है अस्तित्व में नहीं है उनको हमको गठन से, पहली शक्ति जो अस्तित्व में है उनको संघ में शामिल करना है, और दूसरी हमको क्या है कि जो अस्तित्व में नहीं है उनको क्या करना है, उनको हमको गठन करना है, उनको नए राज्यों को क्या करना है, बनाना है। ओके, तो यहाँ पास अनुच्छेद ये जो आर्टिकल 2 है इसको बताता है। तो आर्टिकल 2 में जो है, तो यहाँ पास हम उन राज्यों को जो कि भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनको एंट्री के लिए और उनके गठन से ये संबंधित है, मतलब कि जो राज्य जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं है, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, हमको उनको क्या करना, उनको नया राज्य बनाना और उनको क्या करना, शामिल करना। ये आर्टिकल 2 में है। ओके, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 3 भी इसी तरीके का, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 आपका आ गया, और आर्टिकल 3 हो गया। तो आर्टिकल 3, यहाँ पास आर्टिकल 3 जो है, यहाँ पास पार्लियामेंट ये कहती है कि इसमें क्या है, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित। यहाँ पास देखिए, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम अ यूनियन स्टेट या यूनिटिंग अ टू या मोर स्टेट या पार्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ यूनिटिंग। यहाँ पास बहुत सारी पावर है, मतलब यहाँ पास मेन चीज आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे संघ में पहले से राज्य है, मतलब कि जो हमारे संघ में पहले से शामिल है, यदि उन राज्यों में आपस में विभाजन होता है, यदि उनमें हमको नए राज्य बनाना है, तो वो परिवर्तन जो हम यहाँ पास हैं, जबकि जो आर्टिकल 2 था आपका, यहाँ पास ये था कि इनमें हमको नए राज्यों को संघ में शामिल करना और प्लस हमें नए राज्यों को बनाना, मतलब कि जो अस्तित्व में नहीं थे उन्हें हमें नए राज्यों को बनाना और संघ में शामिल करना, जबकि आर्टिकल आपके 3 में है कि जो राज्य हमारे संघ में उनमें अंधे कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि आप देखें कि हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर आपके बिहार से झारखंड अलग,
हुआ और उत्तराखंड आपका यूपी से अलग हुआ, ये जब क्या ये हमारे संघ में पहले से शामिल थे राज्य, बाद में इनमें विभाजन हुआ, कभी किसी राजनीति के राजनीति व्यवस्थाओं के कारण हुआ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुआ या फिर रिसोर्स के कारण हुआ, तो इन सब रीजन के कारण यदि इनमें बाद में विभाजन होता ताकि व्यवस्थाएं सही तरीके से चल सके तो